हेलो साथियों, परिणाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और बताइए कैसे हैं सभी लोग? मस्त होंगे, पेट की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हमारे संस्थान ने आपके लिए निःशुल्क पेट का जो तैयारी है वो कराना प्रारंभ कर दिया है। आप बिल्कुल अच्छे ढंग से 2023 के लिए तैयार हो जाइए कि इस बार बहुत ही अच्छा करना है हमें 2023 में। हम लोगों ने देखा था कि 2021 से 2022 का जो पेपर था वो काफ़ी टफ था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इसलिए हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही डीप में जाकर चीज़ों को पढ़ेंगे कि ताकि अगर हम पेट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 80-80+ स्कोर कर लेते हैं तो चीज़ें हमारे लिए आगे बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो उसी कड़ी में आज ये हमारी हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने देखा था कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे थे, प्राचीन भारत से कर रहे थे। हमने थोड़ा सा आपको एक झलक दी थी उसके सिलेबस के बारे में। हमने कहा था बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं है, हम एक विद इन टाइम में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था सैंधव सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके नामों के बारे में हमने चर्चा की थी और कुछ चीज़ों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। उसके नगर नियोजन के बारे में हमने आपसे साझा की थी बातें, यह ग्रेड पद्धति वगैरह वगैरह पर आधारित है। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा। तो यह आज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी क्लास है। आज हम चीज़ों को उसके आगे बढ़ाएंगे, आइए जुड़ते हैं। आज हम देखेंगे, हमने नगर नियोजन के संबंध में देखा था, तो हम अभी देखते हैं जो सैंधव सभ्यता के लोग थे उनके सामाजिक जीवन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो उनका जो समाज था बहुत ही ज्यादा विकसित हम कह सकते हैं। और उस समय सैंधव सभ्यता के लोग जो थे वो कैसे थे? मात्र सत्तात्मक थे। मात्र सत्तात्मक कहने के पीछे का रीजन यह है, उसके लिए एक उसका कारण है कि वहां से जो भी मूर्तियां, जो भी मुहर हमको मिले हैं उसमें अधिकतम किसके हैं? नारी के। अगर मूर्तियां मिली हैं तो अधिकतम नारी की मूर्तियां मिली हैं। अगर क्या कहते हैं मुहर मिले हैं तो उसमें नारी चित्रित हैं या नारी के स्वरूप को दर्शाया गया है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि नारियों की स्थिति बहुत ज्यादा सुदृढ़ रही होगी। और उसी समय प्रजनन की देवी को भी दर्शाया गया है, एक स्त्री जो जिनके मतलब गर्भ में वृक्ष है, अर्थात वह प्रजनन की देवी है, उर्वरता की देवी है। इस वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि सैंधव सभ्यता के लोग कैसे थे? मात्र सत्तात्मक थे। और इस समय जो पुरुष थे यह भी उनसे पीछे नहीं थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। और उनकी अगर हम स्थिति कहें, महिला और पुरुष दोनों की बहुत ही अच्छी थी। पुरुष भी आभूषण धारण करते थे सामाजिक जीवन में, और उसके बाद उनके मनोरंजन के भी बहुत सारे साधन हमको देखने को मिलते हैं। सेल खड़ी जो है उस समय की, वह आज के शतरंज की भांति ही दिखती थी। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता था कि शतरंज जैसा खेल वे पहले भी खेलते थे। कक्ष के खाड़ी में पुरन नामक गांव से दो स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। दो स्टेडियम कहां से मिलते हैं? कच्छ से। गांव कौन सा है? पुरन। पुरन नामक गांव से दो स्टेडियम के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां की स्थिति, सैंधव वासियों की स्थिति बहुत ही अच्छी रही होगी। उनका जो सामाजिक स्तर था बहुत ही उच्च कोटि का था। पुरुष भी क्या करते थे? मनोरंजन के लिए वहां पर आभूषण धारण करते थे। पुरुष भी आभूषण पहनते थे और स्त्रियां जो है वह लिपस्टिक वगैरह लगाती थी। एक बहुत ही ज्यादा विकसित समाज अगर हम देखें आज के जनरेशन में, जैसी स्थिति हम लोग की आज है, कुछ ऐसी ही स्थिति उनके अवशेषों से हमको प्राप्त होती है। तो उनकी जो सामाजिक स्तर है, उनका जो सामाजिक जीवन है वह बहुत ही बेहतर था। अगर सामाजिक जीवन के बाद हम बात करें उनका शिल्प ज्ञान कैसा है, तो उनका शिल्प ज्ञान भी अद्वितीय था। अगर हम शिल्प ज्ञान में बात करें कि वे तकनीकी क्या इस्तेमाल करते थे, उनको क्या क्या चीजें बनानी आती थी, वह किस किस चीजों से परिचित थे, तो वे लोहे से परिचित नहीं थे। यह बात बहुत बार पूछी गई है, सैंधव सभ्यता के लोग, सैंधव वासी
किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। यह क्वेश्चन आप जरूर से जरूर फोकस करिएगा, लोहे से परिचित नहीं थे। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पिछली बार 2022 में यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, संधोवासी लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन वे कांसा बनाना जानते थे। तांबा और टिन को मिलाकर, तांबा और टिन को मिलाकर वह क्या बनाते थे? कांसा। वह कांसा बनाना जानते थे। इसका बहुत ही अच्छा प्रमाण जो है वह क्या है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछली बार के पेपर में, कांसे की नर्तकी की मूर्ति की विधि क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा था? कांसे की नर्तकी की मूर्ति की विधि क्या है? इस ये जो कांसे की नर्तकी बनाई गई है, कांसे की, उसकी जो विधि है यह क्या है? किस विधि के द्वारा बनाई गई है? तो ये इसकी विधि जो है, यह क्वेश्चन में पूछा गया था, द्रवी मोम विधि से। इस विधि के माध्यम से उन्होंने कांसे की मूर्ति का निर्माण किया था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा कि सैंधववासी जो हैं वह लोहे से परिचित नहीं थे। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब वे कांसा बनाना जानते थे, वे क्या है? कांसे से उन्होंने क्या बनाई? नर्तकी बनाई, नर्तकी की मूर्ति बनाई। फिर अगला, अगर उनके शिल्प ज्ञान में कहें तो उस समय एक बर्तन बहुत ज्यादा फेमस था उनके समय में, मृदभांड, जिसे वे मृदभांड कहते थे। मृदभांड, यह मृदभांड क्या था? मृदभांड एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन था, जो अंदर से काले कलर से इसकी पुताई होती थी, काले कलर से इसकी रंगाई होती थी। मृदभांड काले कलर का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, एक मटका जानते होंगे आप, मटके टाइप का बर्तन होता था। वह काले कलर से क्या करते थे? उसको पुताई करते थे, और ऊपर से लाल रंग से उसपे चित्र अंकित करते थे, उसको डिजाइन देते थे। उस समय यह भी मृदभांड भी बहुत ज्यादा फेमस है। और संधव सभ्यता से बहुत सारे अवशेष मिले हैं, ग्लास के साक्ष्य मिले हैं, थाली के साक्ष्य मिले हैं, कटोरी के साक्ष्य मिले हैं, चम्मच के साक्ष्य मिले हैं। तो यह सब उनके शिल्प ज्ञान और तकनीकी ज्ञान को दर्शाता है कि वह कितने उच्च कोटि के थे, उनका समाज कितना ज्यादा विकसित था। जो चीजें हम आज कर रहे हैं, वही वह लगभग 3000 साल पहले करते थे। तो यह सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अगला, अगर हम बात करें उनके धार्मिक जीवन की, सामाजिक जीवन हो गया, शिल्प ज्ञान और तकनीकी ज्ञान के बारे में हमने समझा। अगला, अगर हम बात करें उनका जो धार्मिक जीवन था वह कैसा था? धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, मैं जब सामाजिक जीवन में चर्चा कर रहा था तभी मैं हमने कहा कि वह मात्र सत्तात्मक था, अर्थात वहां पर मात्र देवी की पूजा क्या होती थी? बहुतायत में होती थी, और मात्र देवी की पूजा होती थी। हड़प्पा से प्राप्त क्या है? प्रजनन की देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, प्रजनन की देवी की मूर्ति। प्रजनन की देवी में क्या दिखाया गया है कि एक स्त्री है, उसके गर्भ से क्या निकल रहा है? वृक्ष निकल रहा है, अर्थात वह मात्र देवी का क्या है? मात्र देवी है, प्रजनन की देवी है, या उन्हीं को उर्वरता की देवी भी कहा जाता है, उर्वरता की देवी। वैसे ये साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है, हड़प्पा जो स्थल है। और प्रजनन की देवी से यह पता चलता है कि वह मात्र देवी को पूजते थे,
महिला को पूछते थे, एक स्त्री को पूछते थे, पुरुष में वो क्या करते थे, एक मोहर मिली है, उस मोहर पे एक योगी बैठा हुआ है, एक योगी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, उसके दाहिने साइड बाघ और हाथी, यह दाहिने साइड था, दूसरे साइड क्या था, गैंडा और भैंसा। एक योगी बैठा हुआ है, उसके दाहिने साइड पर बाघ है, हाथी है, बाएं साइड पर गैंडा और भैंसा है, और नीचे दो हिरण है, दो हिरण है, यहाँ एक एक है, एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा, एक भैंसा, और उनके नीचे जो है पैर के पास क्या है, दो हिरण है। इन्हें क्या कहा गया, इन्हें पशुपतिनाथ कहा गया, पशुपति कहा गया, इन्हीं को क्या कहा गया, शिव कहा गया, ठीक है, इन्हीं को ही रुद्र कहा गया। तो स्त्री के रूप में मातृ देवी का, प्रजनन की देवी का, उर्वरता की देवी का पूजा करते थे ये लोग, पुरुष के रूप में या पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। साथ ही साथ एक और चीज की, ये बहुत सारी चीजों को, जैसे वृक्ष हुआ, पक्षी हुआ, इन सब की यह पूजा करते थे, इसके भी साक्ष्य कहीं कहीं पर मिलते हैं। एक तरीके से इन्होंने पूरी प्रकृति को क्या मान लिया है, पूरी प्रकृति को मान लिया है कि वह क्या है, वह भगवान है। वृक्ष को इन्होंने माना है, इन्होंने पक्षी को माना है, और एक मोहर पे, हर मोहर पे लगभग एक चीज कॉमन थी, क्या था, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, यह सर्वाधिक प्रचलित था, कुबड़ वाला बैल सर्वाधिक प्रचलित था, इसकी भी पूजा होती थी। कहीं ना कहीं यह हमारे आज के समाज को भी दर्शाता है, जैसे हम वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल है, नीम है, हम लोग बहुत सारे पक्षी की पूजा करते हैं, गरुड़ वगैरह की, हम लोग कुबड़ वाला बैल, अगर आज भी हमारे समाज में कुबड़ वाले बैल जाते रहते हैं तो हम उसे आज भी प्रणाम करते हैं, तो कुबड़ वाले बैल को आज भी मान्यता दी गई है हमारे समाज में, ठीक है। उसके साथ साथ कुबड़ वाला बैल, एक बात यहाँ पर और याद रखनी, जो ये गैंडा है, यह गैंडा जो है, यह गैंडा एक सींग का है, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा जो है वह बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध था। ऐसा हमें क्या मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं। यह बात हो गई धार्मिक जीवन की। अब आर्थिक जीवन में देखते हैं क्या क्या चीजें थी सिंधु सभ्यता में। अब क्या देखेंगे हम लोग, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में क्या क्या चीजें प्रचलित थी उस समय, अब हम उसकी बात करते हैं। आर्थिक जीवन में उनका कैसा विकास हुआ करता था। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य कार्य जो था आर्थिक को लेकर, समाज को लेकर, वह कृषि और व्यापार करते थे। इनके मुख्य काम क्या थे, एक कृषि था और दूसरा क्या था, व्यापार। व्यापार वह विदेशियों से बहुत अधिक मात्रा में करते थे, वे बहुत सारे धातुओं को आयातित भी करते थे और बहुत सारी चीजों को यहाँ से निर्यातित भी करते थे। आयात क्या क्या चीजें होती थी, जैसे सोना है, चांदी है, ये सब चीजें भारत के लोग आयात करते थे, तो यह सब चीजें हैं। कृषि और व्यापार इनका मुख्य कार्य था। अगर हम बात करें उस समय नौ प्रकार के जो कृषि हैं,
कितने प्रकार के? 9 प्रकार की खेती हुए करते थे। किस चीज की? गेहूं हो गया, जौ, चना, मटर, तिल, सरसों, गेहूं, जौ, चना, मटर, तिल, सरसों, खजूर, बाजरा। और एक चीज की बात करें जिसको हमने शुरुआत में ही बताया है कि वह एक चीज और जानते थे जिसके लिए उन्हें प्रणेता भी कहा जाता है, यह कपास भी उत्पादन करते थे। कपास उत्पादन करते थे इसलिए जो साक्ष्य मिले मोहनजोदड़ो से, सबसे पहले क्या है, सूती वस्त्र के साक्ष्य भी हमारे सांधो सभ्यता से प्राप्त होते हैं। किसके? सूती वस्त्र के। तो उनका आर्थिक जीवन कृषि पर निर्धारित था और व्यापार पर निर्धारित था। ठीक है, यह बातें हो गई। अब हम देखते हैं अलग-अलग जो स्थल हमें प्राप्त हुए उनमें से कौन कौन से स्थल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन स्थलों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अगर आर्थिक जीवन में आप एक चीज और जाने तो आर्थिक जीवन में यह मान सकते हैं कि जो सांधो सभ्यता के लोग हैं वह घोड़े से परिचित थे या नहीं, इस बात को लेकर अभी भी संदिग्ध हैं। वे तलवार से परिचित नहीं थे। पशुपालन में अगर हम देखें तो वे सभी प्रकार के जीवों को पालते थे, तो इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, अगर पशुपालन में एक चीज अगर आप ध्यान रखें तो वे गाय को नहीं पालते थे। गाय को अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन यह मिथक भी हो सकता है क्योंकि जिस समाज में वे बैल पाल रहे हैं, कुबड़ वाले बैल पाल रहे हैं, उनके बछड़े को पूज रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गाय का भी वह पशुपालन अवश्य करते थे, अवश्य करते रहे होंगे, लेकिन इस बात का भी हमें साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, अब हम एक एक स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारे लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वह कौन सा था? सबसे पहला स्थल वह था हमारा हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले कब खोजा गया था? हड़प्पा 1921 में खोजा गया था। 1921 में इसको खोजा कौन था? दयाराम साहनी ने। हमने कल भी इसकी चर्चा की थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे यह, इसकी वर्तमान स्थिति कहां पर है? भौगोलिक स्थिति इसकी वर्तमान में कहां पर है? यह आज के पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जिले में, पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जिले में क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा स्थल की खोज की गई है। यह कहां पर है? वर्तमान के पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी में। यहां से प्राप्त वस्तुएं क्या क्या हैं? अगर हम यहां से प्राप्त वस्तुओं के बारे में जानकारी देखें तो दो ऊंचे टीले कौन कौन से? एक पश्चिम का टीला और एक पूरब का टीला। पश्चिम के टीले पर शासक वर्ग रहता है और पूरब के टीले पर आम जनता निवास करती है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसको प्राचीरों से घेरा भी गया था। यह जो टीले बनाए गए हैं या एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए हैं, और वो चबूतरा किस चीज का है? वह चबूतरा हमारे पकी हुई ईंटों का है।
यहां से हमें छह अन्नागार मिलते हैं। कितने अन्नागार मिलते हैं? छह अन्नागार। यह अन्नागार कैसे हैं? यहां पर अन्नागारों, इन अन्नागारों में जो हमारे अन्न होते थे या कर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से एकत्रित जो हमारे अन्न होते थे उनको रखा जाता था। इसमें हमें जौ और गेहूं के दाने मिले हैं, जले हुए गेहूं और जौ के दाने के अवशेष मिले हैं। खास बात यह है जो अन्नागार होते थे पूरे सैंधव सभ्यता में, उसका जो मुख्य गेट होता था वह नदी की ओर खुलता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय परिवहन के माध्यम ऐसे नहीं थे कि कोई ट्रक आ रही है, कोई ट्रैक्टर है, उस पर लाद कर हम सामान को यहाँ से वहां ले जाते थे। तो हमारे वहां पर नाव के बारे में हमें सैंधव सभ्यता में मिलता है कि वहां सैंधव सभ्यता में बहुत सारे नाव के हमें चित्र भी मिलते हैं। जब हम खुदाई करते हैं तो बड़े बड़े नाव की भी चित्र मिलती है, तो इससे पता चलता है कि वे जो है जल मार्ग में काफी ज्यादा सजग थे, इसलिए वे नदी की तरफ अन्नागार को बनाते थे ताकि जो अन्न है, जो राशन है, उसको जल मार्ग के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सके। ठीक है, अन्नागार के मिलते हैं। 14 ईंट के भट्ठे मिलते हैं, 14 ईंट के भट्ठे मिलते हैं। ठीक, साथ ही प्रजनन की देवी यहां मिलती हैं, जिनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। प्रजनन की देवी, इन्हीं को उर्वरता की देवी की भी संज्ञा दी जाती है, प्रजनन की देवी। और एक मोहर मिलता है जिसपे मछुआरे का चित्र अंकित है। एक मोहर है, मोहर पर मछुआरे का चित्र अंकित है। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। एक मोहर है जिस पर मछुआरे का चित्र अंकित है। ठीक, 14 ईंट के भट्ठे हो गए, 6 अन्नागार हो मिले थे, प्रजनन की देवी मिली थी, मोहर पर मछुआरे का चित्र अंकित है, शंख पर बना हुआ बैल मिला था, शंख का बना बैल भी मिला हुआ था, ये सब चीजें हमें कहां से मिली थी? हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली हुई थी। ठीक है, अब आप इसको कर लिए होंगे। अब हम अगला देखते हैं। अगला जो है वह क्या है? मोहन जोदड़ो के बारे में हम लोग देखेंगे। इसको मिटा देते हैं। क्या है अगला? मोहनजोदड़ो। यह 1922 में दयाराम साहनी ने खोजा था। यह कहां स्थित है? यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह किसका अर्थ होता था? मोहनजोदड़ो का होता था नहीं होता है मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में। आपसे क्वेश्चन यहां भी अब घुमा के पूछा जा सकता है, मोहनजोदड़ो का किस भाषा में
अर्थ मृतकों का टीला होता है तो सिंधी भाषा में होता है, हिंदी में नहीं होता है। सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहां से क्या मिले हैं, यहां से एक मुहर मिली है जो शिव पशुपतिनाथ की है, जो अभी हमने चर्चा की थी। एक मुहर मिली है, किसकी मिली है मुहर, वो पशुपतिनाथ की, अभी हमने उसकी चर्चा भी की थी। फिर एक विशाल स्नानागार मिलता है, विशाल विशाल स्नानागार मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, विशाल अन्नागार मिलेगा, ठीक है, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। अन्नागार जो है वह सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो की। स्नानागार की अगर हम विशेषता की बात करें, उस समय यह इतना ज्यादा डेवलप्ड था, एक स्नानागार है, स्नानागार से अनुमान लगाया जा सकता है जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था, सूर्य देव की पूजा या कोई भी बड़े कार्य, उस समय जो लोग हैं वहां के आम जनता है वह उसी स्नानागार में आकर स्नान करती थी। बगल स्नानागार के बगल में कक्ष का निर्माण होता था जहां पर वे कपड़े बदलने के लिए बनाए गए थे। और जो स्नानागार है एक कुंड जैसा है, उसमें उत्तर से दक्षिण सीढ़ियां बनाई हुई हैं और पक्की ईंटों की सीढ़ियां हैं, ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे तक इसकी सीढ़ियां हैं। और यह जो स्नानागार है इसमें पानी कहाँ से आता है, स्नानागार में जो पानी है वह कहाँ से आएगा, वह बगल के कुएं से आता है। स्नानागार में पानी जो है वह बगल के कुएं से आता है। और स्नानागार की क्या विशेषताएं हैं, उस समय स्नानागार जो है वह बिटुमन प्लास्टर से इसको प्लास्टर किया गया था, बिटुमन जिप्सम लगाया गया था, तो यह सब चीजें इसमें हुई थी। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो 12 मीटर इसकी लंबाई थी, 7 मीटर इसकी चौड़ाई थी और 3 मीटर इसकी गहराई थी। यह बहुत ही विशाल स्नानागार था जिसमें मोहनजोदड़ो के सभी लोग, जो आम जनता है वह किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में यहाँ पर आकर स्नान करती थी। ठीक है, यह बात हो गई। अब अगली बात हम लोग करते हैं चन्हुदड़ो की। एक और यहाँ पर अगर देख लें, यहां से ही आपको जो कांस्य की नर्तकी हमने बता रहे थे, कांस्य की नर्तकी यहीं से इसका इसको यहीं से मिली थी, कांस्य की नर्तकी जो द्रवी मोमविद से बनाई गई थी। ठीक है, अब अगला क्या है, चन्हुदड़ो। अगला जो स्थल है वह क्या है, वह है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो यह कहाँ स्थित है, यह आज के पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहां से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं चन्हुदड़ो से, चन्हुदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली हैं। क्या क्या मिली हैं चन्हुदड़ो से, वक्राकार ईंट, अंजन मंजन काजल सुरमा, यह सब भी कहां से मिलता है, चन्हुदड़ो से। चन्हुदड़ो में साक्ष्य मिलता है कि यहां के जो पुरुष हैं वो भी सुरमा लगाते थे, काजल लगाते थे, लिपस्टिक तक लगाते थे, यहाँ के जो पुरुष वर्ग के लोग थे। यहाँ से क्या मिला है, अंजन मंजन सुरमा बनाने के कारखाने यानी मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, मनके बनाने के कारखाने। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिलते हैं, चन्हुदड़ो से मिलते हैं। ठीक है, यह दो चीजें बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर अगली अगर हम बात करें चन्हुदड़ो के बाद लोथल, लोथल पिछली बार जो है लोथल से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उम्मीद है यहां से क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है इन्हीं स्थल से
लोथल से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह है, तो लोथल उसमें ऑप्शन था और लोथल ही उसका आंसर सही था कि लोथल जो है वह बंदरगाह है। लोथल एक पत्तल शहर है जो आज के गुजरात में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे है। यह किस नदी के किनारे है? यह भोगवा नदी के किनारे है। और यहाँ पर क्या चीजें मिली हैं? युगमित समाधि के उदाहरण मिले हैं। युगमित समाधि का क्या मतलब होता है? युगमित समाधि के मतलब दो समाधि एक साथ, दो लोगों का समाधि बनाया गया है एक साथ, कपल का या जोड़ा का। तो तीन ऐसे साक्ष्य मिले हैं युगमित समाधि के। अच्छा, सिंधु सभ्यता में तीन प्रकार के जो दाह संस्कार होते थे वे प्रचलित थे। तीनों प्रकार के क्या थे? अगर हम इसको देख लेते, जैसे हड़प्पा में तीन प्रकार के, पहले उसको देख लेते हैं फिर बताते हैं। पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान, फिर क्या है? आंशिक समाधान के बाद कलश समाधान। यह तीन प्रकार के जो दाह संस्कार हैं वह प्रचलित थे सैंधव सभ्यता में। इन तीनों का अर्थ क्या है? पूर्ण समाधान क्या होता है? पूर्ण समाधान में शरीर को पूरी तरीके से दफनाया जाता है। इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? इसके साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलते हैं। ठीक है, फिर आंशिक समाधान का मतलब है शरीर के कुछ हिस्सों को सड़ा गला दिया जाता है, उसके बाद उसे दफनाया जाता है। यह है आंशिक समाधान। कलश समाधान का मतलब यह है कि शरीर को क्या कर दिया जाएगा? जलाया जाएगा। मृत्यु होने के बाद शरीर को जलाया जाएगा, उसके बाद उसकी जो अस्थि है, जो राख है, उसको कलश में रखा जाएगा। यही है कलश समाधान। यह मोहनजोदड़ो में प्रचलित है। तो तीनों प्रकार के जो दाह संस्कार हैं वह इसमें प्रचलित थे सैंधव सभ्यता में। ठीक है, तो युगमित समाधि का मतलब है जोड़ा रखा जाता था। समाज जोड़ जुड़वे समाज जोड़े समाज के समाधि के क्या मिले हैं हमें? साक्ष्य मिले हैं एक स्त्री एक पुरुष के। ऐसे हमें तीन साक्ष्य मिलते हैं कहाँ? लोथल से। लोथल एक पत्तन नगर था, एक बंदरगाह था। लोथल क्या है? बंदरगाह था, यह जरूर याद रखिएगा। लोथल ही एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर लोथल नगर में जितने भी घर बने हैं उनके मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। पूरे सैंधव सभ्यता में सिर्फ एकमात्र लोथल ही ऐसा शहर है जहां के दरवाजे कहां पर खुल रहे हैं? मुख्य सड़क की ओर खुल रहे हैं। इसका रीजन भी होता है क्योंकि लोथल एक क्या है? बंदरगाह है। यह वेल डेवलप्ड नहीं था उस समय। ठीक है, क्या हो गया? लोथल एक बंदरगाह है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। युगमित समाधि के यहां पर क्या मिले हैं? उदाहरण मिले हैं। और यहां पर क्या मिला है? फारस की मुहर मिली है। फारस की मुहर मिली है और इसी फारस की मुहर के माध्यम से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो व्यापार था यह विदेशियों के साथ भी बहुत बढ़ चढ़कर, क्योंकि फारस जो लोथल था वह कैसा था? वह एक पत्तन नगर था, एक बंदरगाह था। अर्थात उस बंदरगाह से हम फारस तक जाते थे या फारस के लोग हमारे यहां तक आते थे। सोचिए, आज से लगभग 3,000 साल पहले जो हम आज नहीं कर पा रहे, वह 3,000 पहले के लोग, हमारे भारत के लोग, हमारे सैंधव सभ्यता के लोग काम किया करते थे। ठीक है, या फारस की मोहर भी मिलती है। धान की भूसी के साक्ष्य भी मिलते हैं लोथल से। धान की भूसी के साक्ष्य भी मिलते हैं हमें। धान की भूसी के साक्ष्य भी मिलते हैं। फिर यह हो गया लोथल के बारे में। इतनी जानकारी लोथल के लिए पर्याप्त है कि यह एक बंदरगाह है, भोगवा नदी के किनारे है, युगमित समाज के उदाहरण मिलते हैं, फारस की मुहर मिलती है, धान की भूसी मिलती है। ठीक है, अगली बात हम करते हैं रोपड़ की। रोपड़ यह एक क्षेत्र है, सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ में कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन
जरूरी है इसलिए बता रहे हैं इसको, यह सतलज नदी के किनारे है। इसकी खोज जो है वह वीवी लाल ने की थी। रोपड़ जो है यह भारत में सतलज नदी के किनारे है, इसकी खोज वीवी लाल ने की थी। यज्ञ दत्त शर्मा ने इसको खुदवाया था, इसका उत्खनन कार्य किया था। यह आजादी के बाद बंटवारे के बाद पहला स्थल है सैंधव सभ्यता का जिसे खोजा गया था, रोपड़। और यहां पर हमें क्या मिलता है, यहां पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए गए हैं, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कुत्ते मानव के साथ कुत्ते कहां दफनाए गए हैं, एक तो रोपड़ है, दूसरा हम कहां पर बात कर रहे थे, मांडा में भी मानव के साथ कुत्ते दफनाए गए थे। ठीक है, तो यह हो गया रोपड़। अब हम अगला देख लेते हैं, अगली जानकारी जो हम लेते हैं वह कहां से लेंगे, कालीबंगा देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता में वैसे बहुत सारे स्थल हैं, आज के समय में लगभग 2800 स्थल की खोज हुई है, लगभग 2800 स्थलों की खोज हो चुकी है। तो सभी के बारे में जानकारी देना ना हमारे बस की बात है ना आपके बस की बात है कि आप उसको पढ़कर पेट का पेट जैसे एग्जाम्स क्वालिफाइड कर पाए। ठीक है, तो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो अभी तक हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, उन्हीं स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे, उन्हीं स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे जो वास्तव में इंपॉर्टेंट रहे हैं। इम्पॉर्टेंट कितने भी रहे लेकिन अगर हमारे एग्जाम में नहीं आते तो हमारे लिए किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमें इतिहास नहीं लिखना है, हमें इतिहास को पढ़कर सिर्फ एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो अगला क्या है, अगला हम क्या पढ़ेंगे, कालीबंगा। कभी कभी इसका अर्थ पूछ लेता है कालीबंगा का, कभी कभी क्या होता है कालीबंगा का अर्थ पूछ लेता है। तो कालीबंगा का अर्थ क्या हो गया, काली और बंगा मतलब चूड़ियां, काली चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ हो गया। फिर अगली बात, यह किस नदी के किनारे है, यह घग्घर नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, घग्घर नदी के किनारे है। फिर अगली बात क्या है, यहां से हवन कुंड मिलता है, हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। फिर क्या मिलेगा, जुते हुए खेत मिलेंगे, जुते हुए खेत मिलेंगे। उसके बाद क्या मिलेगा, भूकंप के साक्ष्य होगा, मिलेगा भूकंप के साक्ष्य जो है वह कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा से। और इसका जब पतन होता है तो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि भूकंप से जो है वह पृथ्वी में बहुत ज्यादा हलचल हुई और भूकंप आया, उसके बाद से सैंधव सभ्यता का विनाश हो गया, ऐसे भी बहुत सारे हमारे विद्वान कहते हैं। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलेंगे, भूकंप के साक्ष्य मिलेंगे और सिलबट्टा के भी साक्ष्य मिलेंगे कि यहाँ पर सिलबट्टा के कार्य किए जाते थे, यहाँ पर सिलबट्टा बनाया जाता था। ठीक है, हो गया, यह हो गया कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा का अर्थ जो है यह बहुत पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा, काली चूड़ियां होता है इसका अर्थ, यहाँ पर काली चूड़ियों के ढेर भी मिले हुए थे। ठीक है, अगला जो हमारा है वह है क्या, बनावली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनावली के बारे में हम चर्चा करेंगे। बनावली जो है यह कहां पर है, यह रंगोई नदी के किनारे है, कहां पर, हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। यहां पर मिला क्या है, उन्नत किस्म का जौ मिला है, बहुत ही ज्यादा उन्नत किस्म का जो जौ होता है वो बनावली से मिलता है। अगला क्या चीज मिला है, यहाँ पर मिट्टी के खिलौने मिले हैं,
मिट्टी के खिलौने के मिलते हैं यहाँ पर, तिल के ढेर मिलेंगे, सरसों के भी ढेर मिलेंगे, तिल मिलेगा, सरसों मिलेंगे, यहीं पर हमें तिल और सरसों के ढेर मिलते हैं। हल बैल, हल और बैल का जो जोड़ा होता है उसका भी हमें क्या मिलेगा, खिलौना मिलेगा। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि हल और बैल से जो है वह खेतों की जुताई होती थी। ठीक है, अगला जो है वह है सुरकुटड़ा। अगर हम बात करें सुरकुटड़ा या सुरकुटड़ा, कहीं पर मिलता है सुरकुटड़ा में क्या है, यहाँ यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े होने के साक्ष्य मिलते हैं, इनकी मूर्तियां मिलती हैं। और अगला है राखी गढ़ी, यह इंपॉर्टेंट है, यह थोड़ा सा याद रखिएगा सुरकुटड़ा वाला, कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि घोड़े के साक्ष्य कहीं नहीं मिलते हैं। घोड़ा जो है वह सैंधव सभ्यता में संदिग्ध है। कुछ समय पहले जब तक तो सुरकुटड़ा की खोज नहीं हुई थी तब तक यह माना जाता था कि जो सैंधव सभ्यता के लोग हैं वह घोड़े से परिचित नहीं थे। हालांकि आज भी अगर क्वेश्चन आता तो हम घोड़े को ही परिचित नहीं बताएंगे कि घोड़े से परिचित नहीं थे। जो घोड़े के साक्ष्य हमको मिलते हैं, हम यह अनुमान लगाते हैं कि बाद में जो आर्य आए हुए थे सैंधव सभ्यता में, उसके बाद से उन्होंने घोड़े को देखा, उसी समय उन्होंने तलवार देखी। वे तलवार से परिचित नहीं थे, वे घोड़े से भी परिचित नहीं थे, वे गाय को पालते नहीं थे लेकिन गाय से परिचित थे। ठीक है, घोड़े से परिचित नहीं थे, ये लिख लीजिए, घोड़े से, घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं लेकिन परिचित नहीं थे, घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, या भी संदिग्ध है। ठीक, अगला जो है वह राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी या भारत में वर्तमान में जितने भारत में हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं उनमें सबसे बड़ा है कौन सा, राखी गढ़ी, और यह कहाँ स्थित है, यह आज के हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है, आज के हरियाणा में यह स्थित है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, जब इतनी अच्छी व्यवस्था थी, अब इतने स्थल खोजे गए थे, यहाँ से ऐसे ऐसी चीजें मिलती हैं, इनके साक्ष्य देखकर लगता है कि यह वेल डेवलप्ड जो था, एक सभ्यता था, वेल डेवलप्ड समाज था। तो हम इतने ही जो क्या है स्थल है इनके बारे में चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जितना हमने अभी तक देख लिया है यहीं से क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब हम देखते हैं कि इसका पतन क्यों हुआ। इसके पतन को लेकर बहुत सारे अवधारणाएं हैं, विभिन्न विद्वानों का मत है, सभी का मत अलग अलग है। मत क्या क्या है उनके बारे में जानते हैं। कुछ विद्वान का मानना है कि आर्य के आगमन से, जब यहाँ पर आर्य आते हैं और भारी तबाही मचाते हैं, बहुत ज्यादा युद्ध करते हैं और यहाँ के लोगों को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, लेकिन अगर कोई युद्ध होता है, कोई समाज के लोग आते हैं, तो पूरी तरीके से पूरी सभ्यता ही समाप्त नहीं हो जाती है। तो इस बात को भी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कुछ प्राकृतिक आपदाएं हुई थी, कुछ कहते हैं भूकंप के माध्यम से, लेकिन यह जो आज का सबसे बढ़िया मत है वह है कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, कुछ आर्यों का आक्रमण इसकी वजह से, क्योंकि तलवार के साक्ष्य मिलते हैं। अगर एक जब युद्ध होता है हमें बहुत सारे शव के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वह अलग अलग समय में मृत्यु हुई थी, लेकिन जब आक्रमण होता है तो एक साथ ही सभी के हमें सौ के साक्ष्य मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए यह माना जाता है कि भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, जो वत्स नामक विद्वान है उनके मत को सबसे ज्यादा माना जाता है कि बाढ़ के कारण जो है वह यहाँ की सभ्यता नष्ट हुई थी। जो नदी थी उसने अपना मार्ग बहुत ही तेजी से परिवर्तित किया था, जिसके बाद एक साथ ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और कुछ उसके बाद आक्रमण होगा आर्यों का, कुछ भूकंप के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से
जो सैंधव समाज है इसका पतन हो जाएगा। या हमने आज देखा कि सैंधव सभ्यता क्या होता है। आपके पेट के एग्जाम के लिए पूरा हमने महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि आपके एग्जाम्स में, पेट के एग्जाम्स में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके बताइए, नहीं अच्छा लगा है फिर भी आप कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी रही है, आपके लिए यूजफुल थी कि नहीं थी, आपके एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं। पीवाईक्यू के अगर रिकॉर्डिंग हम देखें, हमने थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की, इसलिए हमने दो क्लासेस लिए इसके बारे में समझने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है परिणाम एकेडमी के नाम से ही, परिणाम एकेडमी के नाम से ही, और इंस्टा पर पेज है परिणाम एकेडमी के नाम से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। आप परिणाम अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको पीडीएफ मिलेगी। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप हमें बताइए, आप हमें कमेंट करिए, या इंस्टा पर आप हमें जाकर बताइए, तो हम अपनी टीम से फिर से एक बार कहेंगे कि वह सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक है, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, पढ़ते रहिए, सारी क्लासेस आपको मिल रही होंगी। अगर हम कुछ और आपके लिए कर सकते हैं तो जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।